एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। विदाउट रीग्रुपिंग मतलब हमें थ्री डिजिट नंबर को विदाउट रीग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप्स के अंदर ग्रुपिंग करके हमें उनको ऐड करना है। ग्रुपिंग में क्या होता है कि वंस वाले नंबर्स को हम अलग ऐड करेंगे, टेंस वाले नंबर को हम अलग ऐड करेंगे और हंड्रेड वाले नंबर को हम अलग ऐड करेंगे। हंड्रेड तक हम जो हुए क्योंकि हमें एडिशन करना है थ्री डिजिट नंबर का। तो आज हम करेंगे वो टॉपिक और उससे रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू सी। ओके, तो हम अपनी एक्सरसाइज और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर, वो भी विदाउट रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग करें बिना मतलब हम ग्रुपिंग के अंदर रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमें दिया गया है 243 एंड 525। हमें 243 को ऐड करना है 525 से। तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हें हमने बॉक्स में रख दिया वंस टेंस और हंड्रेड। तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले वंस प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। तो वंस प्लेस को हमारे पास क्या क्या है, फाइव और थ्री। हमारे पास है फाइव और थ्री। अब हम फाइव और थ्री को ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, एट। ओके, हमने वंस प्लेस वाले को ऐड कर दिया। देन हम जाएंगे अपने टेंस प्लेस वाले पे। हमारे टेंस प्लेस वाले पे क्या है, फोर है और सिक्स है। ऊपर हमारे पास फोर है, नीचे हमारे पास टू है, सॉरी फोर है और टू है। हमारे टेंस प्लेस के नंबर कौन कौन से, फोर एंड टू। तो फोर एंड टू कितने होते हैं, सिक्स। और हमारा वंस प्लेस में आंसर क्या आया था, एट। ओके, हमने वंस प्लेस को भी ग्रुपिंग करके ऐड कर दिया है, हमने टेंस प्लेस को भी ग्रुपिंग करके ऐड कर दिया है। अब हम जाएंगे अपने थर्ड नंबर पे जो कि है टू एंड फाइव। टू प्लस फाइव क्या होता है, टू प्लस फाइव होता है सेवन। यहाँ पर हमारे पास टेंस प्लेस में क्या आया था, ऐड करने पे सिक्स। और यहाँ वंस प्लेस पे ग्रुप के अंदर ऐड करने पे वंस क्या आया था, एट। हम तीनों को एक साथ लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 768। ये हमारा इजी फॉर्म है ताकि हम इतने बड़े नंबर को थ्री डिजिट नंबर के एडिशन को हम क्या कर सके, इजी वे में कर सके, ग्रुपिंग के अंदर कर सके। विदाउट रीग्रुपिंग मतलब हम ग्रुपिंग के अंदर करेंगे, वंस प्लेस वालों को अलग ऐड करेंगे, टेंस प्लेस वालों को अलग ऐड करेंगे और हंड्रेड प्लेस वालों को अलग ऐड करेंगे। अलग अलग ऐड करने पर हमारे पास उसका पूरा सम आ जाएगा। ओके, ये है एकदम आपका इजी टॉपिक, एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। अब हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड इसके क्वेश्चन आंसर जो कि है हमारे एक्सरसाइज टू सी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज टू सी का वो है ऐड द फॉलोइंग नंबर। ऐड द फॉलोइंग नंबर हमें इस तरीके से करना है, हमें विदाउट रिग्रुपिंग करना है, ग्रुप्स के अंदर करना है। पहले वंस में देखेंगे, वंस के अंदर हमारे पास कौन सा नंबर है, वंस ग्रुप के अंदर हमारे पास है फोर एंड थ्री नंबर। तो हम फोर और थ्री को ऐड कर देंगे, हमारा क्या आंसर आएगा, सेवन। उसके बाद हम टेंस ग्रुप वालों को ऐड करेंगे, टेंस ग्रुप के हमारे पास है सिक्स एंड टू। तो हमारे पास टेंस ग्रुप में है सिक्स एंड टू, तो सिक्स और टू कितने होते हैं, एट। हमने यहाँ पे टेंस प्लेस लिख दिया एट। उसके बाद हमारे पास है हंड्रेड प्लेस पे थ्री एंड थ्री, तो थ्री और थ्री कितने होते हैं, ऐड करने में उसका सम निकलेगा सिक्स। तो 364 को हमने ऐड किया है 323 से, तो हमारा आंसर क्या है, 687। हमने क्या किया है, वंस ग्रुप वालों को अलग ऐड किए, टेंस ग्रुप वालों को अलग ऐड किए और हंड्रेड ग्रुप वालों को अलग ऐड किए और हमारे पास इन दोनों नंबर का आंसर निकल गया। ओके, इसी तरीके से हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। वंस प्लेस पे हमारा सेवन है एंड टू है, सेवन और टू कितने होते हैं, नाइन। ओके, वंस प्लेस वाला वंस प्लेस पे हमारे पास है सेवन और नीचे है हमारे पास टू, तो सेवन और टू कितने होते हैं, नाइन। अब हम टेंस प्लेस वाले पे जाएंगे, टेंस प्लेस पे एक नंबर पे है सिक्स और दूसरे नंबर पे है जीरो। तो टेंस वाले प्लेस पे जो हम नंबर था उनको ऐड करेंगे, उनका सम निकालेंगे, तो क्या होगा, सिक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स। उसके बाद हंड्रेड प्लेस पे हमारे पास है टू और एक नंबर पे है फोर, तो टू और फोर को हम ऐड करेंगे, उसका सम निकालेंगे, तो टू और फोर कितने होते हैं, सिक्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमने वंस प्लेस वाले नंबर को अलग ऐड किया, टेंस प्लेस वाले नंबर को अलग और हंड्रेड प्लेस वाले नंबर को अलग ऐड किया और हमारा आंसर आ गया। दैट इसी तरीके से हम सेम यही करेंगे, वंस प्लेस पे क्या है फोर एंड फोर, फोर एंड फोर को ऐड किया एट आ गया। उसके बाद टेंस प्लेस वाले क्या है थ्री एंड थ्री, तो थ्री और थ्री को हमने ऐड किया सिक्स आ गया। उसके बाद हंड्रेड प्लेस पे कौन सा नंबर है फाइव और नीचे होता है टू, फाइव और टू क्या होता है सेवन। तो हमने अपने ग्रुप्स के अंदर इनको अलग अलग ऐड किया और हमारा आंसर आ गया 768। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड द फॉलोइंग, हमें क्या करना है ग्रुप्स के
या टेबल्स दे बना के दिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट इन द कॉलम एंड फॉलोइंग ऐड द फॉलोइंग्स। तो हमारा नंबर है पहला ए क्वेश्चन है 276 ऐड बाय 132। तो इसका हमें आंसर निकालना है। हम देखेंगे ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे। अब हम वंस प्लेस वालों को अलग अलग ऐड कर देते हैं। वंस प्लेस पर हमारे कौन सा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। 6 और 2 कितने होते हैं 8, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। देन वापस टेंस प्लेस पे यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। यहाँ पे वापस टेंस प्लेस पे क्या है, 3 है, आंसर है 7। तो यहाँ पे क्या हो गया 7 और 3 हो गया 10। तो 10 का हम लिखेंगे यहाँ 0, 1 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे 2 के ऊपर, तो ये बन जाएगा 3। तो 100 प्लेस पे हमारे क्या है, 2 है, 1 है और 1 है। 1 में 2 कितना होता है 3 और 3 और 1 कितना होगा 4। ओके इस तरीके से करेंगे। जब हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा तो ऊपर कैरी चली जाएगी 100 प्लेस पे। अगर टेंस के ऊपर वापस कैरी रखती है, टेंस के ऊपर वापस 2 भी नंबर आ जाता है तो हमारी जो कैरी होगी, जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो हम टेंस प्लेस पे या 100 प्लेस पे भेज देंगे। अगर मतलब 1 प्लेस में 2 डिजिट नंबर आएगा तो हम टेंस प्लेस पे ऊपर एक नंबर भेज देंगे। और अगर हमारे पास टेंस प्लेस पे 2 डिजिट नंबर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका एक नंबर 100 प्लेस पे भेज देंगे। आगे से आगे हम भेज देंगे। जैसे कि हमने देखा 7 + 3 जो है 10 निकला, तो 0 को हमने वहाँ लिख दिया और 1 जो था सेकंड डिजिट थी जो उसकी वो हमने 100 नंबर पे शिफ्ट कर दी। तो 100 नंबर पे कौन कौन से नंबर होंगे, एक तो 2 था, एक 1 था, ये हम पहले से था। जब हमने 3 और 7 को ऐड किया जो हमारे पास एक नंबर बना था वो हमने यहाँ शिफ्ट किया 100 प्लेस पे शिफ्ट किया। तो हमारे पास 2 और 1 तो पहले से था और एक जो हमने शिफ्ट किया वो, तो 2 और 1 तो हो गया 3 और एक जो नंबर हमने शिफ्ट किया वो हो गया 4। ठीक है, तो 408 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम आगे और क्वेश्चन करेंगे। ये 415 को 304 से ऐड करना है तो हम इनकी बेसिस देख लेते हैं। ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1, ये 10 और ये 100। 1 प्लस पे 5 और 4, 5 और 4 कितने होते हैं 9। 10 प्लस पे 1 और 0, 1 और 0 कितने होते हैं 1। 100 प्लस पे 4 और 3, 4 और 3 कितने होते हैं 7। ओके ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। पहले हम इनके बेसिस निकाल लेते हैं। 1 10 100 इसलिए कि